सो आदर अभिनंदन आभार नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रगेश आपका मैथ्स गुरु स्वागत करता हूं महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो फाइनली एट द एंड ऑफ 2020 दिस न्यू ईयर 2021 विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। बिल्कुल, ECGC जो कि एक इंडियन इंटरप्राइज है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसने प्रोबेशनरी ऑफिसर की 59 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी मतलब नए साल से जारी हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। तो बिल्कुल ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी एस्पिरेंट्स के लिए, मेनली एंड स्पेशली फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज अदर्स बैंक की तरह ही ECGC PO ऑल्सो ऑफर अट्रैक्टिव सैलरी अलाउंसेस करियर प्रोग्रेशन टू द एम्प्लॉयज विच मोटिवेट्स स्टूडेंट टू टेक अप द अपॉर्चुनिटी। और मैं बिल्कुल, और इस इतना ही नहीं, इसको आप बता दें सिर्फ सैलरी की बात नहीं कर रहे, 5 working days मतलब ऐसा लगता है कि बहुत कुछ यहाँ पर अच्छा है। जैसा कि मैं अभी आपको बता दूँ, जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई एक हैंडसम अमाउंट है, तो बिल्कुल 12 से लेकर 17 लाख के आसपास का एक पर एनम का पैकेज होता है, तो वो तो है ही। मैंने बोला सर करियर ग्रोथ भी क्या बोला, करियर प्रोग्रेशन क्या होता है, तो बिल्कुल आप प्रोबेशनरी ऑफिसर से स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर EO बनते हैं स्केल 1, इसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर स्केल 2, मैनेजर स्केल 3, सीनियर मैनेजर स्केल 4 और असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्केल 5। मतलब इसमें करियर प्रोग्रेशन भी काफ़ी अच्छी है, 5 working days होते हैं। तो बिल्कुल सुनने में बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है और वाकई बहुत अच्छा है। और अब जब इतना अच्छा लग ही रहा है तो एस्पिरेंट सोच रहे होंगे सर जल्दी से बता दीजिए कि क्या होगा इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस, क्या होगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बिल्कुल हम 1 by 1 हर एक चीज़ आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है, ताकि हर एक स्टूडेंट को इसकी न्यूज़ पहुँचे, इसका नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी पहुँचे। और जो बच्चे यहाँ पर नए हैं पहली बार सेशन को देख रहे हैं वो बिल्कुल सेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ 1 by 1 की भाई क्या प्रोसेस रहेगा इसका। तो फाइनली अगर हम बात करें कि यहाँ पर 59 वैकेंसीज हैं जो कि आपको साफ साफ लिख रखा है यहाँ पर कि भाई 1 जनवरी से नए साल से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आप अप्लाई कर पाएंगे। और कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, 31 जनवरी मतलब जनवरी के लास्ट तक, ठीक है। जो इसका प्री एग्जामिनेशन, मैं आपको बता दूं यहाँ पर 2 phase होते हैं इस एग्जामिनेशन के, एक आपका ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन होता है और दूसरा आपका इंटरव्यू होता है, ओवरऑल 300 marks का पेपर होता है। मैं आपको बाद में भी अभी इसकी डिटेलिंग भी बताऊंगा। तो 300 मार्क्स का ये जो पेपर होता है जिसका 1st phase ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, उसकी डेट आपको बता दें मार्च में है, 14th of March को जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल। तो डेट्स के बारे में भी आपको बता दें जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि जो इसके प्री एग्जामिनेशन की डेट होगी वो आपकी 14th of March होगी, मतलब 14th March को इसका प्री का एग्जामिनेशन होगा। अच्छी बात यह है कि मार्च के एंड तक ही आपको इसका रिजल्ट भी पता चल जाएगा 1st phase ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन का। बिल्कुल ये ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन जो कि लगभग 240 marks का होता है, जहाँ 200 marks का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है, वहीं आपका 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है। तो इसका जो रिजल्ट जो 14th March को होगा आपको मार्च एंड तक मिल जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी सारे प्रोसेस आपके पूरे हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात है फिर नेक्स्ट फेज सर क्या होगा, नेक्स्ट फेज इंटरव्यू होगा। लेकिन नेक्स्ट फेज के बारे में जाने से पहले हम आपको बता दें कि जो ECGC है जिसका जो हेड ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र में है, तो जब आप प्री क्वालिफाइड करते हो, प्री क्वालिफाई करने के बाद या ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद, जो कि 20 सेंटर्स में होंगे जिनके एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद, जब आप फाइनली शॉर्ट लिस्टेड होते हो इंटरव्यू के लिए, जो कि 10 times होगा वैकेंसी का, 10 times मतलब नियर अबाउट 590 candidates, इनको जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो आपका कहाँ बुलाया जाएगा, मुंबई में बुलाया जाएगा। तो भैया ठीक है, अच्छी बात है कि जल्दी से आप लोग प्री क्वालिफाई करो और इंटरव्यू देने कहाँ जाएंगे आप, मुंबई देने जाएंगे। चलिए इसके बाद अपन लोग क्या बताएंगे देख लेते हैं, इसके बाद क्या दे रखा है। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे ठीक, सबसे पहले सर और चीज़ें बताइए क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया में 2 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, 60 vacancies हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आपकी 60 vacancies हैं, ठीक है, 59 vacancies हैं,
ठीक है, जहां पर अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी की 25, ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसीज, ओबीसी की 16 वैकेंसीज और एससी एसटी की 4 और 9 वैकेंसीज के साथ है। ठीक है, एज की बात कर ले तो एज का जो यहां पर क्राइटेरिया मेंशन किया गया है वो 21 इयर्स से लेकर 30 इयर्स के जितने भी लोग हैं इसके बीच में वो इस एग्जाम के लिए अप्लीकेबल है। अब सर जिस इसकी लास्ट क्या होनी चाहिए मतलब यहां पर होता है, तो मैं बता दूं यहां पर लिख रखा है कि जो लोग आफ्टर 2nd of January 1919 के बाद पैदा हुए, मतलब इसके पहले नहीं होना चाहिए, 2nd of January या उसके बाद से आपकी बॉर्न डेट होनी चाहिए, और आखिरी है कि आपको इसके फर्स्ट मतलब 1 जनवरी 2000 के बाद भी पैदा नहीं होना चाहिए, मतलब इसके पहले तक होना चाहिए, वो सारे लोग यहाँ पर अप्लीकेबल होते हैं बाई एज। ठीक है, तो बिल्कुल ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। एज रिलैक्सेशन वही है जो गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन है 3 years 5 years, ठीक है, वो बिल्कुल एज पर द गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन रूल के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर भी मिलता है। इसके बाद सर नेक्स्ट बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और कुछ नहीं बताया, सिर्फ ग्रेजुएशन बताया गया है, तो आपको ग्रेजुएटेड रहना है, किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएटेड हो तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लीकेबल होते हो। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ पर अगर हम बात करें जब आप फॉर्म भरोगे अगर कहीं परसेंटेज को आपको रिक्वायरमेंट पूछेगा कि भाई परसेंटेज कितने हैं आपके ग्रेजुएशन में, तो उस वक्त आपको डेसिमल के 2 digit तक परसेंटेज लिखने हैं। सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपके 59.99% है तो आपको 59.99% ही लिखना है, 60% से लेस देन ही काउंट होगा, 60% नहीं लिखना। तो जहाँ भी आप इसमें अगर कहीं प्रोसेस में आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपसे परसेंटेज पूछेगा तो आपको डेसिमल के 2 digit तक अपने परसेंटेज को वहां पर मेंशन करना है। ठीक है, चलिए अब सर फाइनली एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या होता है ये भी आप हमें बता दीजिए, तो बिल्कुल इसका वेट कर रहे होंगे आप, तो मैं आपको बता देता हूं इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस, जो कि मैंने बताया था कि इसका जो फर्स्ट फेज होता है ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन का, ये आपका 240 मार्क्स का होता है। कितने का? 240 का, जिसके दो फेज है 200 + 40 marks, जहां पर 200 का एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू में आपको क्या मिलता है? मैथ्स के 50 क्वेश्चन मतलब क्वांट्स के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, साथ ही कंप्यूटर नॉलेज के भी 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 140 मिनट में आपको करने होते हैं। तो ये इस ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन का पहला पार्ट है एमसीक्यू, ठीक है, जो कि 200 मार्क्स का, और जो निगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर निगेटिव मार्किंग क्या होती है, तो मैं उनको बता दूं जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 होती है, मतलब 0.25, अगर भाई 0.25 इसकी निगेटिव मार्किंग होती है या 1/4 इसकी निगेटिव मार्किंग होती है। तो सर बचा हुआ 40 मार्क्स क्या होता है? ये बचा हुआ 40 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जो कि नीचे मेंशन है, जिसमें क्या आता है? ऐसे राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग आता है, प्रेसी राइटिंग आता है। देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि ये जो 40 मिनट्स का 20-20 मार्क्स का ऐसे राइटिंग, ठीक है, आपको दो टॉपिक्स दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना होगा, और सेम ऐसे प्रिसाइज में भी किसी एक टॉपिक पर आपको दो में से प्रिसाइज राइटिंग लिखनी होगी। तो ये 40 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, ठीक है, किसका? इंग्लिश लैंग्वेज में। किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ पर लैंग्वेज केवल कौन सी होगी? इंग्लिश होगी। तो ओवरऑल आपका जो फर्स्ट फेज होगा वो 200 + 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसके आधार पर जो कट ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज के आधार पर जो कट ऑफ बनेगी, उस कट ऑफ का जो 10 times एस्पिरेंट्स हैं, वैकेंसीज का जो 10 times एस्पिरेंट्स हैं, वो बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल है, यहाँ पर ECGC में नॉर्मलाइजेशन भी होता है, एक्यूरेसियो मेथड से जो नॉर्मलाइजेशन होता है, तो नॉर्मलाइजेशन भी अप्लीकेबल है। जो बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ नॉर्मलाइजेशन SSC की तरह होता है, रेलवे की तरह होता है, कि नहीं, बिल्कुल होता है, नॉर्मलाइजेशन भी होता है। अगर आपका पेपर इजी है तो टफ है तो आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा, बस आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हम बात कर दें इंटरव्यू, तो इंटरव्यू इसके बाद 60 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 60 मार्क्स का इसका इंटरव्यू होता है।
240 के बाद 60 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जिसमें आपको एटलीस्ट 40% क्वालिफाइंग, मिनिमम 40% मार्किंग लानी ही होती है. 40% मार्क्स इसका मतलब 24 नंबर लाने ही लाने होते हैं इंटरव्यू में क्वालिफाई होने के लिए. तो जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन और जो आपका इंटरव्यू है, इन दोनों में आपके जो टोटल मार्क्स बनेंगे, फिर उसके आधार पे फाइनली आपकी मेरिट बनेगी और आप सिलेक्ट किए जाओगे. दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस. तो बिल्कुल आप सभी को सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है. वन बाय वन मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है. इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करा दें, तो एप्लीकेशन फ़ी जो है 700 है आपकी सभी जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए. बाकी एसटी एससी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए ये जो फी है वो 125 है. तो बिल्कुल आप इसको अप्लाई कीजिए, अभी से तैयारी कीजिए और जल्दी से जल्दी इस नए साल में जॉब भी पाइए. उम्मीद करता हूँ ये नया साल आपके लिए एक नया मुकाम लेके आए एक नई तैयारी के साथ. तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे सेशन के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक भी कीजिए. चलिए तब तक के लिए सभी को हैप्पी न्यू ईयर, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच.